अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है गाजर और आलू की सब्ज़ी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और चलें अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दो अदद हमारे टमाटर हैं, ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं। एक पाव आलू ले लिए जिस मैंने इस तरह से इनको काट लिया है। आधा किलो गाजर लिए, इसको भी मैंने इस तरह काट लिया गोल गोल। किसी एक चम्मच अदरक कुटा हुआ, चार अदरक हरी मिर्चें हैं इसको मैंने बीच से काट लिया है, नमक है हसबे जायका, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच पिसी हुई मिर्चें, दो अदरक मैंने प्याज ले ली है दरमियाने साइज़ की और इसको मैंने चॉप कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पतीली में मैंने तेल डाल दिया दो चमचे और मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज को मैं अच्छे से ब्राउन कर लूंगी। प्याज को कच्चे नहीं रखना, प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें अदरक डाल देंगे। लहसुन नहीं डालना, सिर्फ हमें अदरक ही डालना है इसमें। अदरक को हमें कूट के ही डालना है, इसको हम चला लेंगे। अदरक को भी अच्छे से हम प्याज में ब्राउन कर लेंगे। हाँ, इसमें हमने हल्दी और मिर्ची डाल दी हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। हमने इसमें सूखे मसाले डाल दिए और नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला ना जले इसमें हम लिए हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर को भी अच्छे से हम मसाले में भून लेंगे दो तीन मिनट तक। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, टमाटर भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में। अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम 5 मिनट के लिए आलूओं को गलने के लिए रख देंगे। बस आधा कप हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है, डाल दिया है आलू को गलने के लिए। अब हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे 5 मिनट के लिए। आलू हमारे गल चुके हैं, अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजरों का सीजन आ चुका है, ये देखें कितनी अच्छी फ्रेश गाजरे, लाल लाल गाजरे मिली हैं। गाजरों को हम गलने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया, आधे से भी कम कप मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको मैं गलने के लिए 5 मिनट के लिए हल्के फ्लेम पे रखूंगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक करते रहिएगा खोल के ढकना हटा के कि आपकी सब्ज़ी लग ना जाए। और देख लें अभी हमारी सब्ज़ी में थोड़ा पानी है, जब इसमें रोगन आ जाएगा तो हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पकने के लिए और रख दूँगी जब तक हमारी गाजर गल जाएंगी। आलू हमारे गल चुके हैं, ये देखें गाजर भी गल चुकी है। सब्ज़ी का जायका बढ़ाने के लिए मैं इसमें आधा चम्मच चीनी डाल दूँगी और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सालन हमारा तैयार है, फ्लेम कर देंगे हम ऑफ और इसमें देखें वो भी आ गया, रोगन भी आ गया। ऊपर से हरा धनिया डाल दूंगी। आलू गाजर की रेसिपी मेरी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।